नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो है ड्राई एंड ड्रंक सिंड्रोम। तो चलिए पहले समझ लेते हैं ये ड्राई एंड ड्रंक सिंड्रोम होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि सोवर होने में और ड्राई होने में बहुत फ़र्क होता है। केवल आपके शरीर में एल्कोहल या अन्य किसी नशे का ना होना आपको सोवर नहीं बना देता, क्योंकि हर नशा पीड़ित किसी न किसी वजह से शराब पीता है, चाहे अपने करियर को लेकर या अपने काम को लेकर या अपने घर को लेकर या अन्य किसी परेशानी से। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शराब में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए शराब से दूर होने के बावजूद अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा शराब के लिए दबी हुई है तो आपको सोवर नहीं कहा जा सकता। सोवर होने का मतलब ये नहीं कि शराब आपके सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस बात से है कि आप खुश हो कि शराब आपके जीवन में ही नहीं है। ज़्यादातर तरीके जो नशा छोड़ने के लिए अपनाए जाते हैं, जैसे AA फेलोशिप, ग्रुप इंटरवेंशन, वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर पाते। और अगर आप इस प्रॉब्लम को डील नहीं करेंगे तो आपके रिलैप्स होने के चांस हमेशा बने रहेंगे। चाहे आपको शराब पिए महीनों बीत गए हों, अगर आप अपने पीने के मेन रीज़न को पहचान कर उससे डील नहीं करेंगे तो आप कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे और हो सकता है कि आप शराब का कोई अल्टरनेट ढूंढने लग जाएं। अब इस ड्राई एंड ड्रंक सिंड्रोम से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हर आदमी अलग होता है, हर एक की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं, यहाँ तक कि हर इंसान की ड्रिंक करने की वजह भी अलग अलग ही होती है। इसलिए जान लीजिए कि इस सिंड्रोम से पार पाने का कोई भी किताबी तरीका तो है ही नहीं। और सबसे पहली जो आपकी ज़रूरत है वो है आपकी लाइफ की उस खाली जगह को भरने की जो शराब ने ले रखी थी। क्योंकि जब आप शराब पी रहे होते हैं तो आपके समय का एक बड़ा हिस्सा शराब ने घेर रखा होता है, इसलिए इस काम में भी खूब मशक्कत करनी पड़ेगी। पर आप कोई ऐसी हॉबी या नया कुछ ढूंढें जो आपको पसंद भी हो और प्रोडक्टिव भी हो। जब आप अपने समय और दिमाग के खाली स्पेस को भर देंगे तो धीरे धीरे आप अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के कोर को एड्रेस करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैं फिर कहूँगा कि हर बंदे या बंदी के पीने का कोर रीज़न अलग अलग हो सकता है, पर इस दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। अगर आदमी अपने दिमाग का 100% दे तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिससे वो पार नहीं पा सकता जो उसके अंदर पीने की इच्छा को पैदा करती हो। याद रखना दोस्तों, आप जैसे जैसे खुद पर काम करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि लाइफ बिना शराब के ही शानदार होती है और एल्कोहल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइफ को ख़त्म करने के लिए ठीक है, किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सलाह या सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हों तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हों तो हमें फॉलो ज़रूर करें। नमस्ते।